हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एन पी एजुकेशन पर। देखिए, यह जो टेबल ग्राफ दिखाई दे रहा है, इस टेबल ग्राफ जो यह टेबल ग्राफ दिखाई दे रहा है उसमें किसी कस्बे में जो वर्ष 1988 से 1992 के बीच जो जनसंख्या का वितरण उसे दिखाया गया है कि 1988 में पुरुषों की संख्या कितनी है, 89 में पुरुषों की संख्या कितनी है, वैसे ही महिलाओं की, बच्चों की और कुल जनसंख्या कितनी है, तथा कुछ रिक्त स्थान भी दिए गए हैं। यानी कि आप जो प्रश्न पूछा जा रहा है उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, क्योंकि इसका अवलोकन आप बड़ी सावधानी पूर्वक कीजिए और जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं कैसे कैसे प्रश्न हैं, तो आइए थोड़ा देखिए। अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप बहुत ध्यान से इसको पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर एक है 1988 में बच्चों की संख्या है, 1988 में बच्चों की संख्या है, 1988 में बच्चों की संख्या पूछ रहा है ना। जैसे ऑप्शन ए दिया गया 31,236, ऑप्शन बी है 1,25,491, 1,25,491, ऑप्शन सी है 14,546, ऑप्शन डी है 21,456। देखिए कह क्या रहा, 1988 में बच्चों की संख्या कितनी है ना, 1988 में बच्चों की संख्या पूछ रहा है। चलिए हल करिए थोड़ा सा, तब तक इंक डाल लेते हैं। उन्नीस सौ अट्ठासी में बच्चों की संख्या कितनी है बताइए। देखिए, अगर 1988 में बात करें तो पुरुषों की संख्या 65,104 है, महिलाओं की संख्या 60,387 है और कुल जनसंख्या जो है 1,46,947 है। तो अगर हमें बच्चों की संख्या निकालनी होगी तो कुल जनसंख्या में से किसको निकाल लेना होगा, महिला और पुरुषों की जनसंख्या को निकाल लेना होगा ना। यानी कि हम कह सकते हैं जनसंख्या कितनी है, देखिए जो जनसंख्या है वह कितनी है, 1,46,947 यही है। अब इसमें पुरुष प्लस महिला की संख्या कितनी है, दोनों को जोड़ लेते हैं। देखिए 7, 4, 11 को एक हासिल लगा एक ना, 8 और 1 9, ठीक। फिर आइए 3 और 1 4 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 0 में 5 जोड़ लेंगे 5 होगा और 6 में 6 जोड़ देंगे 12 ना, घटा लेते हैं। देखिए 7 में से 1 जाएगा 6, सही। फिर देखिए यहाँ से कितना हो गया 14, 14 में से 9 जाएगा 5, यानी अंत में जो 5, 6 आया होगा वही होगा, तो जो ऑप्शन नंबर डी है वही हो जाएगा ना। आप चाहें तो घटा भी सकते हैं, 8 में से 4 जाएगा 4, फिर देखिए 6 में से 5 जाएगा 1, ठीक, और यहाँ 4 में से 2 जाएगा 2, और यह तो खत्म ही हो जाएगा। यानी 41,456। 1988 में बच्चों की संख्या कितनी, तो 21,456 ना, 21,456 थी, ठीक, एक भर लिया गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं डीआई से, तो निश्चित तौर पे आप प्रश्न को ध्यान से देखिए और जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर बड़ी सावधानी पूर्वक दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 1989 में कुल जनसंख्या है, 1989 में कुल जनसंख्या है,
1989 की कुल जनसंख्या पूछ रहा है ना। देखिए ऑप्शन जो ए है 144,537, ऑप्शन जो बी है 158,577, ऑप्शन जो सी है 146,947, ऑप्शन जो डी है 149,637, यही है। देखिए कह क्या रहा, 1989 में कुल जनसंख्या कितनी है, अब ध्यान दीजिए 1988 में कुल जनसंख्या कितनी थी, 146,947 थी 1989 में कुल जनसंख्या में। देखिए पिछले वर्ष की तुलना में यदि वृद्धि हुआ है तो प्लस, यदि कमी हुआ है तो माइनस ना। देखिए यहाँ पे वृद्धि हुआ है 1989 है उसमें पिछले वर्ष की तुलना में 11,630 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो यानी जनसंख्या उतनी बढ़ गई रही होगी ना, तो बढ़ा लीजिए जनसंख्या, कितना हो जाएगा, सात में से जीरो जाएगा सात, सात और जीरो जुड़ेगा सात, फिर चार और तीन सात, यही होगा। फिर देखिए कितना, छः और नौ 15 को 5 हासिल लगा एक, ठीक। फिर देखिए यहाँ से एक और छः 7 एक 8 सही, फिर यहाँ देखिए 4 एक 5 यानी 1 5 हो जाएगा ना, अगर हम कह सकते हैं यहाँ पे 1 और 5 हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ से कह रहा 1989 में कुल जनसंख्या कितनी है, तो 158,577, 158,577 जो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, क्योंकि 1989 में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है 1988 की तुलना में 11,630 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है ना। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 1989 में बच्चों की संख्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 1989 में बच्चों की संख्या है, 1989 में बच्चों की संख्या पूछ रहा है ना। देखिए कुल जनसंख्या पता हो गया, पुरुष और महिला की भी जनसंख्या पता है, तो हम बच्चों की संख्या निकाल सकते हैं ना। ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, ऑप्शन है 25,670, ऑप्शन बी है 14,040, ऑप्शन सी है 13,970, ऑप्शन जो डी है 15,702। चलिए देखते हैं ए बी सी या डी कौन सा होगा। देखिए 1989 में कुल जनसंख्या कितनी है, 158,577, यानी जो जनसंख्या है कितनी है, 158,577 यही है, और पुरुष तथा महिला की जनसंख्या कितनी रही है, देखिए पुरुष और महिला की जनसंख्या भी दिया है, जोड़ लेते हैं 617, अंत में जीरो आएगा, कंफर्म हो गया 617। और फिर देखिए 1 और 9 10, 10 को जीरो, ठीक। फिर देखिए 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा सही, क्योंकि हासिल था, 2 हो जाएगा 7 6 13 हो जाएगा ना, घटा लेते हैं, 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 0 जाएगा 7, ठीक। अभी 2 0 देखिए 7 मिल रहा है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, 15 में से 9 जाएगा 6, ठीक। फिर इसके बाद 7 में से 2 जाएगा 5, फिर 5 में से 3 जाएगा 2, ये खत्म ही हो जाएगा, यानी 25,670 कितनी है, 25,670, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे 25,670।
70 थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4, 1991 में महिलाओं की संख्या है, 1991 में महिलाओं की संख्या है, 1991 में महिलाओं की संख्या है, ऑप्शन ए है 57,630, ऑप्शन बी है 5,67,000, 403, ऑप्शन सी है 52,297, ऑप्शन डी है 62,957। ठीक, चलिए देखते हैं ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन होगा। 1991 में महिलाओं की संख्या है, देखिए 1991 यही है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, पुरुष की जनसंख्या पता है, बच्चों की जनसंख्या पता है, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि कितनी जनसंख्या थी 1991 में ना। तो देखिए 1990 में जो जनसंख्या रही है 1,53,922 रही है, और 1991 में पिछले वर्ष की तुलना में क्या हुआ है, कमी हुई है, कितने की, तो 5,337 की कमी हुई है ना, 5,337। तो इसमें से घटा लेते हैं, देखिए 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 12 में से 7 जाएगा तो 7, 5, 12 5 बचेगा ना। ठीक है, फिर यहाँ 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 11 में से 3 तो कितना हो गया, 8, 3, 11 8 बच जाएगा ना। ठीक, फिर देखिए यहाँ से यहाँ बचा कितना, अब 8 बचा आपका, ठीक 8 में से 3 जाएगा 5 बच जाएगा, सही। फिर देखिए यहाँ 8 में से 3 जाएगा 5 बच जाएगा, फिर यहाँ कितना 3, 3 में से 5 तो घटेगा नहीं, 13 में से 5 जाएगा तो 8 और 1 4, यानी कि हम कह सकते हैं 1,48,585 हो गया। अब देखिए पूरी जनसंख्या कितनी हो गई, जो जनसंख्या हो गई 1,48,585, 1991 की जनसंख्या कितनी 1,48,585, उसमें से पुरुषों की जनसंख्या कितनी है तो 69,395, और बच्चों की जनसंख्या कितनी है तो 21,560। अब महिला की जनसंख्या निकालना होगा तो पूरी जनसंख्या में से इन दोनों की जनसंख्या को घटाना होगा, यानी पुरुष प्लस बच्चे, यही ना, कितना योगफल हो जाएगा जोड़ लीजिए, देखिए 5 हो गया, ठीक अंत में 0 आना तय हो गया। फिर देखिए यहाँ से 9 और 6 कितना हो गया, 9 और 6 15 को 5 हो गया, हासिल लगा 1। ठीक, फिर यहाँ देखिए 5 और 3 8, 8 1 9, सही, देखिए 5 और 3 8, 8 1 9, 9 1 10, ठीक 10 को 0, फिर कितना 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 1 9, सही घटा लीजिए, देखिए 5 में से 5 जाएगा 0, 8 में से 5 जाएगा 3, ठीक फिर कितना बचा 15 में से 9 जाएगा 6, फिर देखिए यहाँ 7 और यहाँ कितना कितना हो जाएगा 9, 5, 14 ना 5, ठीक है 57,630 जो किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ना, यानी 1991 में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है 57,630 लिख लीजिए, जो महिला की जनसंख्या 1991 में कितनी है 57,630 रही है। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 5, 1991 की तुलना में 1992 में जनसंख्या में वृद्धि या कमी हुई, जनसंख्या में वृद्धि या कमी हुई। अब जितनी वृद्धि या कमी हुई उसको लिख लेते हैं। देखिए ऑप्शन जो ए है कह रहा है कमी हुई है 12,413 की, बी कह रहा है कि नहीं वृद्धि हुई है 12,413 की, सी ऑप्शन जो कह रहा है कि वृद्धि हुई है 1,55,661 की, और डी ऑप्शन जो दिया गया है वह है कि वृद्धि हुई है 7,086 की। वर्ष 1991 की तुलना में वर्ष 1992 में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है या कमी हुई है। देखिए 91 की तुलना में 92 में, देखिए कुल जनसंख्या 91 में कितना थी 1,48,585, 92 में कितना 1,60,998, यानी कि वृद्धि हुई है, लेकिन कितने की वृद्धि हुई है यह देख लेते हैं ना। देखिए 1992 की जनसंख्या कितनी रही है, 1992 की जो जनसंख्या रही है 1,60,998 रही है ना, और 1991 की जो जनसंख्या रही है वह कितना रही, देखिए 1,48,585 घटा लीजिए, 8 में से 5 जाएगा 3, हालांकि वृद्धि तो हुई है क्योंकि अधिक हुआ है, तो यानी कि 3 लास्ट में यही है, तो यह हो सकता है ना ऑप्शन में, घटा लेते हैं। देखिए 9 में से 8 जाएगा 1, फिर 9 में से 5 जाएगा 4, फिर यहाँ देखिए 0 में से तो 8 जाएगा नहीं, इसलिए 10 में से 8 जाएगा 2, फिर इतना यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 4 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा ख़त्म, 12,413 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ प्लस चिन्ह दिखा रहा है कि वृद्धि हुई है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ना। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में हम लोग मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।